तो दोस्तों आज की स्टूडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है, क्योंकि आज की स्टूडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन और लाजवाब तरीका है। बहुत सारे लोग इस तरीके से यानी बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे रिगार्डिंग कोई चीजें पता नहीं है, तो मैं आप लोगों को वो चीजें बता रहा हूँ। और कुछ चेंजेस आए, कुछ अपडेट आए, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था उसके चेंजेस वहां पे क्या क्या हुए थे, और आज की स्टूडियो में मैं आप लोगों को उसमें क्या क्या चेंजेस हुए ये सारे कुछ डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपको क्या करना, वीडियो को देखना है स्टार्ट से लेकर आखिर तक विदाउट स्किप किए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हो और आज मैं आप लोगों को आपका क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का तरीका बताने वाला हूँ। तो दोस्तों तरीका वही पुराना है जो हम यूज़ करते थे, लेकिन उसमें अपडेट आ चुके हैं, तो उस अपडेट से रिगार्डिंग मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश कर दूँ, अब तक आप लोगों ने क्रेड एप्लीकेशन को यूज़ नहीं किया होगा तो क्रेड एप्लीकेशन को आप एक बार यूज़ करके ज़रूर देखें। इससे आपका हर एक क्रेडिट कार्ड बिल पे आपको बहुत सारा कैशबैक मिलता है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन से मैंने अब तक 5000 से ऊपर कैशबैक कमाए हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने 2-3 वीडियो भी बनाए। एकदम जेन्युइन एप्लीकेशन है, इंस्टेंट आपका क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट भी इंस्टेंट होता है, 1 घंटे के अंदर आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पेस्वेप सेट एप्लीकेशन से रिगार्डिंग। इसमें आप लोगों को लिंक पेमेंट और वॉलेट पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा था जो पेस्वेप सेट ने यानी बंद कर दिया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पे अभी इन्होंने फिर से दोबारा लॉकडाउन है, इस वजह से शायद उन्होंने वो एक्टिविटी चालू कर दी, वो सर्विस हमें दे दी है। तो हम फिर से एक बार हम ट्राई करेंगे कि जो लिंक और वॉलेट उन दोनों से आप अपना क्रेडिट कार्ड का पैसा कैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, ये मैं आप लोगों को आज की स्टूडियो में बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आप लोगों को चार्जेस से रिगार्डिंग बात बता देता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को चार्जेस का पता ही होगा, तो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि यहां पे चार्जेस क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे सर्विसेज एंड चार्जेस के ऊपर आप आओगे तो आपको लगभग 2.75% आपको चार्जेस लगेगा, यानी 3% से कम। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप तो बोलोगे कि भाई यहाँ पे 2.25% दिया तो आप इतना क्यों, क्योंकि बाकी का आपका 18% GST मीन्स आपको 10,000 के ऊपर कितना लगेगा मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके बता देता हूं। तो दोस्तों यहां पे आप लोगों का अमाउंट हो गया 10,000। 10,000 के ऊपर आपको यदि 2.25% रहता है तो आपको दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को यदि आपके पास भारत QR कोड, यहाँ पे आप लोगों को चार्जेस नहीं बता रहा है, तो किसी लोगों को ये चार्जेस यानी फ्री ऑफ कॉस्ट भी होता है और किसी किसी को ये चार्जेस लेता है। तो अभी ये एप्लीकेशन का बग है कि क्या है, इससे रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसमें चार्जेस क्या क्या होता है और आपको क्या दिखाया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इनके कस्टमर केयर से मैंने बात किया था, तो उन्होंने बोले थे कि ये जो चार्जेस रिफ्लेक्ट हो रहे हो सभी को है, ओके, लेकिन क्या पता बहुत सारे लोगों को ये चार्जेस नहीं लगते। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आप UPI से ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको 0 चार्जेस लगेगा, यदि आप भारत QR कोड को डेबिट कार्ड यूज करके करोगे तो आपको 265 रुपए के आसपास आपको लगेगा। उसी के साथ साथ सेम आपको फोनपे का QR कोड से करते हो तो उतना ही लगेगा, उसी के बाद आप भारत QR कोड को क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हो उस पर भी उतना ही लगेगा, यानी आपको लगभग चार्जेस उतना ही है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चार्जेस कम लगता है, किसी को 1%, किसी को ये, बाकी के लोगों को क्या होता है डेली एक्टिविटीज होती है तो उसके हिसाब से वो क्रेडिट कार्ड इनके कस्टमर केयर को कॉल करके ये चार्जेस रिड्यूस करवा लेते हैं। यदि आपका कंटिन्यू चल रहा है ये, तो आप लोग अपना एक यानी इसको उनके एक मेल भेज के आप कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए मैं अभी आप लोगों को ट्रांजैक्शन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को सभी को बताया कि स्टार्ट सेल के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट सेल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को 100 रुपीज एंटर कर देना है। आपको कभी भी पहली बार क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त कोई भी यूट्यूब अगर आपको बता रहा होगा कि भाई इतना करो उतना करो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग छोटे अमाउंट के साथ जाओ, क्योंकि हम वीडियो बनाते इस तारीख को और आप वीडियो देखते 1 महीने बाद, ओके। तो उसमें आप लोगों को ये कैसे कन्फ्यूजन रहेगा कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिक वर्क कर रही है कि नहीं, ओके। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत बार ऐसे ऐसे होता है कि ट्रिक काम करना बंद हो जाती है, उसके बाद 1-2 महीने में फिर स्टार्ट होती है, इसलिए हम उसको एक्सपायर भी नहीं लिख सकते क्योंकि वो बाद में स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को अपना जो ट्रांजेक्शन करते हो वो कम अमाउंट के साथ करो, फिर बाद में एक बार आपका सक्सेस हो गया फिर बड़े अमाउंट के साथ करो। तो दोस्तों मैं अभी कलेक्ट अमाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर अभी आप लोगों को जो मेथड्स है जो तरीका है वो बताने, वो आप लोगों
लोगों को पता चल जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने भारत QR कोड देना बंद कर दिया है, क्योंकि ये भारत QR कोड अभी नहीं देते, अभी डायरेक्ट UPI QR कोड देते। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे आप लिंक जनरेट करके भी कर सकते हो, फोनपे के थ्रू भी कर सकते हो और वैलेट से भी कर सकते हो। तो दोस्तों फोनपे का मैं आप लोगों को बता दूं, क्रेडिट कार्ड से फ़ोनपे के वॉलेट में पैसे ऐड नहीं होते, लेकिन आपके पास कोई ऐसा वर्चुअल वीज़ा कार्ड होगा जो फ़ोनपे पे सपोर्ट करता है तो आप उससे ऐड कर सकते हो। और यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट में बताओ और ज़्यादा लोगों को हम बता देंगे। तो उसी के साथ साथ आप लिंक पेमेंट और वॉलेट ये दोनों के थ्रू कर सकते हो, दोनों में सेम चार्जेस है, ऐसा कोई नहीं। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को पहले लिंक जनरेट करके दिखाऊंगा। लिंक के ऊपर क्लिक करना है आपको, यहाँ पे कस्टमर का एक मोबाइल नंबर लिखना है, थोड़ा मैं पाउच करके लिख लेता हूँ और लिंक जनरेट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर मेरा खुद का ही दिया है क्योंकि टेस्टिंग के लिए, और यहाँ पे मेरा मेल आईडी दे दिया और यहाँ पे डेट डाल दिया। और अभी मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा, तो जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो चुकी है जो मुझे ऑलरेडी ईमेल के ऊपर भी आ चुकी है। और अभी आप देख सकते हो ऊपर मुझे मैसेज में भी आ चुका होगा पेसिफिक की तरफ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस लिंक को मैं अभी क्लिक करूँगा, तो देखता हूँ कि ये लिंक को मैं क्लिक करने के बाद होता है क्या। तो दोस्तों थोड़ा एक कॉपी लिंक के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और अभी मैं यहाँ पे, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट कर दी और अभी इस पर गो पे मैं क्लिक कर दिया। तो आप लोगों के सामने ये पेमेंट लिंक मैं ओपन करके दिखाऊंगा और यहाँ पे आप लोगों को लिंक के थ्रू किस किस चीज़ से आप पैसे भेज सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को फ्रीचार्ज का तो पता होगा जो वॉलेट का है, तो मैं अभी आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे पेबल अमाउंट है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे सारे डिटेल्स है, नाम है कस्टमर का नाम, यहाँ पे सब कुछ मैं यहाँ पे अभी कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आप किन किन तरीक़ों से दे सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग सेव कार्ड यानी डेबिट कार्ड के थ्रू दे सकते हो, नेट बैंकिंग, UPI, भारत QR कोड और वैलेट। यहाँ पे भी आप लोगों को वैलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग यहाँ पे भारत QR कोड के थ्रू पे कर सकते हो। तो यहाँ पे वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो फ्रीचार्ज का आपको ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे शायद आप लोगों को क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन आप फ्रीचार्ज के थ्रू कर सकते हो। फ्रीचार्ज का आपका मोबाइल नंबर एंटर करके आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो और आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा, विद इन 2 working days आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो दोस्तों लिंक के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूँ स्टार्ट पेमेंट पे दो बार आपको क्लिक करना है और एक बार 100 रुपये ऐड करना है और क्लिक के ऊपर क्लिक करना है यानी कलेक्ट के ऊपर, और यहाँ पे अभी आप लोगों को वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आपका फ्रीचार्ज का मोबाइल नंबर एंटर करना है, सीधा फ्रीचार्ज के ऊपर जाओगे आप और आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो जाएगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा। तो भी आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करो इंस्टाग्राम के ऊपर, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप चाहे तो मुझे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की इस वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।